ऐसे शेर का जो बिहार के पूरे सिस्टम को अकेले है। हम लोग जनता हैं, हम लोग फैसला कर सकते हैं कि किसको वहाँ बैठाना है। आप लोग हम लोग से हैं, हम लोग आप लोग से नहीं। मुख्यमंत्री का बेटा साला क्या बोल रहा था आपको नहीं पता? हिंदू धर्म के साथ डायरेक्ट खिलवाड़ किया, क्या करनी है। नमस्ते प्रणाम आप सब भाई को, हम आप सबके भाई सौरभ ऐश्वर्य। और आज कल हम एक वीडियो देखे बिहार के सिर मनीष कश्यप का, दिल एकदम मियाँ मतलब टनटना गया, एकदम मूड फ्रेश हो गया। मूड फ्रेश होने का रीज़न ये था कि बहुत दिन बाद एक शेर का मतलब क्या बोलते हैं कि घायल शेर का आवाज़ सुने, एक ऐसे शेर का जो बिहार के पूरे सिस्टम को अकेले हिला के रख देता है। और अगला बोला है कि सीएम बनेंगे और हम लोग मनवाएंगे। हम लोग जनता हैं, हम लोग फैसला कर सकते हैं कि किसको वहाँ बैठाना है। आप लोग हम लोग से हैं, हम लोग आप लोग से नहीं। कल हम एक बात एक वीडियो देख के मेरा दिल खुश हो गया, क्या बोला। आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे तो उस वीडियो को आप देखिएगा, सोशल नेटवर्क पर बहुत जगह अपलोड है। जो बोल रहा है कि फौजी का बेटा चारा चोर का नहीं, सही बात है। अब जिसके पिताजी के ऊपर जो मतलब मेरे ऊपर अगर चोरी का दाग लग जाएगा, मेरे ऊपर अगर छिनरई का दाग लग जाएगा, मेरे ऊपर किसी भी चीज़ का दाग लग जाएगा, अगर हम कर्म किए हैं तो लगेगा ही लगेगा जब तक जिंदगी रहेगा। ऐसा उनका नाम आया है इस घोटाला में, तब ना आज मनीष कश्यप बोल रहा है। एक अच्छे काम करने वाले को हम लोग क्या किए हैं, जेल में बंद किए। हमको बहुत तकलीफ लगा जब बोले कि जेल में सब गांजा पीता है, सिगरेट पीता है, मुंह पर धुआं फेंकता है। देखिए जेल बना है किस इंसान के लिए बना है आपको पता है, जो गलत करता है, जो अपराधी हो, जो मर्डर करता है, जो क्रिमिनल हो। एक ऐसे इंसान के लिए जो बिहार को सुधार रहा है उसको जेल में बंद रखा गया है। मतलब इससे पूरा दिन बिहार के लिए और क्या होगा। मतलब एक शेर को बंद रखे हुए हैं, वो भी इसलिए कि वो बिहार के सिस्टम को चेंज करना चाहता है, वो बिहार को बदलना चाहता है। इसलिए आप जिस तमिलनाडु में इनके ऊपर NSA लगा है, उस साला का मुख्यमंत्री का बेटा साला क्या बोल रहा था आपको नहीं पता? हिंदू धर्म के साथ डायरेक्ट खिलवाड़ किया, क्या करनी है। आपको उस पर नहीं NSA लगवाना चाहिए। हम वीडियो नहीं बनाते हैं, बोला है ना 10 को केस और करवा दीजिए। बंद कितना दिन बंद रखिएगा, एक ना एक दिन निकलेगा ना, जिस दिन निकलेगा पूरा सिस्टम हिला देगा। अब सिस्टम क्या होता है आपको ही पता होगा बहुत अच्छे से कि एलवी यादव का क्या सिस्टम था। अब मनीष कश्यप का अलग सिस्टम होगा और हम लोग बनाएंगे, उसको जिताएंगे। हम तो चाहते हैं कि कहीं से खड़ा हो, चाहते हैं कि मनीष कश्यप कहीं से खड़ा हो। और इतना चैलेंज करते हैं आपसे, अगर आप में इतना दम है ना तो आप ही का जगह, आप ही का क्षेत्र, वहाँ से मनीष कश्यप को खड़ा कराइए, जीत के दिखाएगा। क्यों? एक माइक और एक कैमरा के दम पे आज पूरे बिहार का सिस्टम हिला रहा है। और आपके पास सब कुछ होने के बावजूद आप बिहार के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बिहार के लिए? आपको क्या, आप यूपी कभी जाके घूम के देखिए, समझ में आ जाएगा कितना ही दूसरा टर्म योगी जी मुख्यमंत्री है, दूसरा टर्म पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा जब वो मुख्यमंत्री बनेगा, तब दिखाएगा अपना सिस्टम। मैं बोला है ना कि बैठ के दिखाऊंगा कुर्सी पर, बैठेगा। जानते हैं क्यों इतना एटीट्यूड में बोल रहा है? क्योंकि उसके पास पब्लिक पावर है और आपके पास पार्टी का पावर है। आप एक निर्दोष को फंसाए हुए, क्यों आपके बारे में आपके सरकारी अपराध अधिकारी लोग को जाके वीडियो दिखाता था, आपके स्कूल के टीचर लोग सही टाइम पे नहीं आते थे उस चीज़ को दिखाता था, आपके इंजीनियर लोग गलत रोड बनाते थे उस चीज़ को दिखाता था, इसलिए आप उस पर NSA लगाएं। यहाँ तो यही है कि हाँ मुख्यमंत्री है, विधायक जी का बेटा है, हाँ ठीक है, इसके लिए सब माफ है। अगर वो फौजी का बेटा है, अगर वो ठेला चलाने वाला का बेटा है, अगर वो रिक्शा चलाने वाला का बेटा है, तो इसके ऊपर जो होना है होने दो, क्योंकि उसका तो शरीर आदमी का है नहीं। आपके भ्राताश्री बैठते हैं गजेड़ी संगेड़ी सबके साथ ही, जो इंसान ना पीता है ना बैठता है उसको सब चीज़ नहीं होगा, क्रोधित होवे करेगा और बोलेगा ही। आप उस पर NSA पहले हटवाइए, NSA हटवाने से उस निर्दोष आदमी पे आप NSA लगवाए हुए हैं जिसका कोई कसूर नहीं है, और जो कसूर कर रहा है उसके लिए कुछ आपको तो बोलना चाहिए ना। मुख्यमंत्री हैं आप हिंदू नहीं है क्या? छठ होता है तो आपकी माँ का फोटो वायरल होता है ठेकुआ छानते हुए, और आप लोग खुद आप क्या क्या बोलते रहते हैं, तो ये सब चीज़ पे थोड़ा ख्याल कीजिए। और हम जितने भाई हैं हम चाहते हैं आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और एक एक बार मनीष कश्यप के नाम पे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और हम यही चाहेंगे कि आप लोग मनीष कश्यप के लिए दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए ऊपर वाले से कि जल्द से जल्द जेल से बाहर हो और हम सब भाई मिलके उनको बिहार का अगला सीएम बनाते हैं। चलते हैं, प्रणाम।